नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह बिहार का चुनाव समाप्त हो गया है, अब आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, बधाइयां भी दी जा रही हैं। क्या कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। बिहार में करारी हार पर बोले बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, कहा भागवत के बयान से हुआ पार्टी को नुकसान। शाह ने की संघ प्रमुख भागवत से मुलाकात, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हार पर समीक्षा। और लालू यादव ने फिर मोदी पर बोला हमला, कहा बिहार के नतीजों में दिखा मोदी के खिलाफ जनता में गुस्सा। बिहारी बाबू ने नीतीश से की मुलाकात, अपने रोल पर दी सफाई। तो बिहार में बीजेपी की हुई करारी शिकस्त के बाद दबात मंथन चल रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि जो तमाम तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं उसमें आज जो है घमासान, एक तरीके घमासान की जो है वो स्थिति बनी हुई है पार्टी के अंदर। एक तरफ अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं, मोहन भागवत के बयान की वजह से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वहीं हुकुम सिंह कह रहे हैं कि उनके बयान से बड़ा असर हुआ है। बाकायदा आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई, तमाम तरह के बयान हुए, लेकिन तो कुछ एक बयान जो आए हैं अरुण जेटली की तरफ से, आइए जरा पहले अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा, खासतौर से जो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, वो जरा बयान आपको सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। जो लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, बाद में आपको सुनाएंगे बयान। लेकिन हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, हमारे ग्रुप राइटर, जो कि पूरे बिहार चुनाव के दौरान बिहार में अलग अलग जगहों पे क्या स्थिति है उसका लेखा जोखा हर रोज हमारे साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। पुष्पेन कुलशेष जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप बहुत लंबी यात्रा के बाद वापस आए हैं, एक एक शहर एक एक गाँव को देखा आपने, नतीजों पर भी हमने काफी चर्चा की। अब ये जो मंथन का दौर है बीजेपी के लिए, आज तमाम तरह की दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। एक तरफ एक वर्ग है जो कि ये मान रहा है कि मोहन भागवत से नुकसान हुआ, अरुण जेटली कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इस हार की वजह क्या रही? देखिए, कोई हार की कोई एक तो वजह हो नहीं सकती है कि कोई एक कारण आप कह दें कि यही कारण, इसी कारण से बीजेपी हार गई। लेकिन अगर एक कारण ही बताना हो कि बीजेपी की हार की वजह क्या है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, शायद अमित शाह चुनाव लड़ रहे थे, बाकी लोग चुनाव में उस जोश उत्साह या उस भागीदारी से नहीं लड़ रहे थे जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली में जैसे लोग आए, वहां तक लोग तो आए लेकिन उसके बाद जो तमाम पार्टी और संगठन थे उनमें भारी तालमेल का अभाव था। जो मैसेज था, जो अचीवमेंट था, जो बातें थी, वो तमाम चीजें कहीं बीच में ही रह गई। डिस्कनेक्ट एक बहुत बड़ा था। लेकिन ये एक नहीं, इसके कई अनेक पक्ष के एक पक्ष हैं। चूंकि हार हुई है इसलिए समीक्षा होगी, हार हुई है इसलिए कारण ढूंढे जाएंगे, करारी हार हुई है तो करारे जवाब भी हमले भी होंगे, करारी हार के बाद इस तरह के बयानबाजी भी होंगे, कुछ बयान भी बीजेपी में पहले से भी हैं, वो बयान भी देंगे, कुछ लोग ताक में बैठे हुए थे कि हार हो तो फिर प्रहार हो, तो कई तरह की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हार किसी एक कारण से मैं नहीं मानता हूं कि हुई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो 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 स्वरूप है उसके चीज को अगर आप बिहार के चुनाव में देखने जाते तो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में काफी भीड़ रहती थी। मैं आपको एक अंतर बताता हूं, वही जब हम जाते थे उसके बस कुछ 100 गज अगर आप मैं कहूँ छोड़ के, आरजेडी का ऑफिस था वहां पे लोग नहीं मिलते थे, मिलते ही नहीं थे, हार्डली एक दो लोग मिलते थे। और तमाम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यालय में थे और आरजेडी के लोग कार्यालय में नहीं थे। अब वो जमीन पे थे या नहीं थे उसका परिणाम आप देख रहे हैं, जमीन पे होंगे तभी उन्होंने ये परिणाम वो लेके आए हैं। तो ये एक बुनियादी बात मैंने आंखों से देखा, ये आंखों देखा हाल है, ये सुना हुआ नहीं है, सुनाया हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वॉर रूम से लेके तमाम जगह पे लोगों नेताओं की भरमार रहती थी, दिल्ली से लेके जो नेता हवाई जहाज से वहाँ जाते थे वो कार्यालय तक रहते थे। बहुत कम नेता ऐसे थे जो जमीन पे जाके, या जिनकी है, बहुत कम नेता ऐसे हैं जो जमीन पे जाके कुछ करने के लायक भी हैं। हालांकि ज्यादातर वो नेता हैं जो उड़ के जाते थे और उड़ते हुए फिर वापस आते थे,
तो बहुत सारे कारण है विपुल, इस पे बीजेपी चर्चा करे, बीजेपी बताए तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी से पूछते हैं आनंद जी से। आनंद जी, जी तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो बैठक हुई, क्या कोई गंभीर चीजें निकल के आई? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इससे कोई बड़ी बात निकल के आई नहीं। कहा यह गया कि वो हमको लगता था कि एक दूसरे का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वो हो गया और उनकी बातें लोगों तक मैसेज पहुंचाने में कामयाब। लेकिन सवाल एक ही है, दिल्ली चुनाव जो आपकी हार हुई, तो क्या आपने वहां से कोई सबक नहीं लिया? बिहार में भी आपके ज्यादातर लोग बाहर से ज्यादा लोग बुलाए गए, लोग कह रहे हैं इसका बड़ा असर रहा कि लोकल कनेक्ट नहीं देखने को मिला। दूसरी बात, जैसे ही हार होती है, कुछ लोग, अगर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग कुछ बोल रहे हैं, तो आपके तमाम बड़े दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, उनको कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। क्या है, ऐसे लोगों पर आपको लगता नहीं रोक होनी चाहिए? या फिर आप भी केंद्र में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की तरह हो गए हैं कि नीचे जमीन पर क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए विपुल जी, बहुत सारे सवाल हैं और निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि दिल्ली चुनाव के बाद और तुरंत एक इंट्रोस्पेक्ट हुआ और उसके बाद इतने सारे योजना और बहुत सारे नेता, सभी तरह के संगठन के लोग, कार्यकर्ता और एक बहुत बड़ा एजेंडा बिहार के खिलाफ, एक नॉन विकास टाइप ऑफ पार्टीज जो लोग थे, जो विकास उनके एजेंडे में नहीं होती थी, उन लोगों के खिलाफ में जा करके चुनाव एक एजेंडा लेके जा करके बिहार में विकास का एजेंडा लेकर के जाया जाता है और वहीं पर वो सारा सारा जो योजना है वो कैसे धीरे धीरे डीरेल होता है, इन सभी विषयों पर निश्चित रूप से एक बहुत गंभीरता से पार्टी ने अपना इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। बैठकें हुई है, साथ ही वहाँ विपक्ष की जो है नेता के रूप में चुनने का भी एक आज एक उसका प्रभारी के रूप में किसी को नियुक्त किया जाना था और आगे का भी एक, क्योंकि आने वाला समय में 2016 में करीब 4-5 राज्यों का और चुनाव आने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें उससे अच्छा हम अपने आप को, अगर हम खुद को अगर बुलंद कर दें तो निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगा। हमें लेना सर कमर्शियल ब्रेक, लेना, बहुत सारे सवाल हैं आपसे जवाब लेंगे हम। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम घमासान बचा हुआ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तमाम लोग सलाह भी दे रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई है, क्या कुछ कहा गया अरुण जेटली की तरफ से वहां पर, आइए जरा सुनाते हैं आपको। हमारे मुकाबले में जो गठबंधन था उनकी वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी रही एक दूसरे को, और कम सीटें लड़कर भी उसके घटक दल अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाए, जो कि कई बार गठबंधन में लाभ हो जाता है। और क्योंकि वोट संख्या में वो हमसे ज्यादा थे, मतलब द साइज ऑफ दैट कोलिशन अरिथमेटिकली बिकेम मोर देन अस। आरक्षण के मुद्दे पर जो तमाम सवाल उठ रहे थे उस पर क्या कुछ कहा अरुण जेटली की तरफ से, आइए सुनिए। कंसर्न्ड एंड from the very beginning since our inception, that we have accepted the concept of reservations based on social considerations. I understand that is also the stand of the RSS, and therefore there should be no cause for any confusion on that account. वेंकैया नायडू ने भी कुछ बातें कही, हालांकि ये बयान उसके बाद का नहीं है जो संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन वेंकैया नायडू क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं वो सुनते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जो पुरानी उनकी बातें थी, कुछ भड़ास भी थी, वो भी उन्होंने निकाली है, वो भी सुनाएंगे आप। ऑल कंसर्न नीड टू अंडरस्टैंड द बिहार वेडिक्ट इन राइट पर्सपेक्टिव।
people of Bihar, like any other state, to want development. They have given the mandate to Nitish Kumar ji and his coalition. By development, it means rapid economic growth through flow of investments into different sectors like infrastructure, power, irrigation, education, health, etc. All the parties have responsibility to interpret the verdict of the people, to enable proper functioning of the parliament during the coming session of the parliament. शत्रुघ्न सिन्हा जी हाँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से शत्रु साबित हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा? शत्रु हैं या मित्र, वो जरा सुनिए जरा उस पे। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है, हालांकि तकलीफ के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रहा था मुझको तो बातें समझ में आ गई थी। मैंने कोशिश भी की अपनी पार्टी को समझाने की, बताने की, इनको कोशिश की कि इनको बता सकूं कि सो महंगाई की कम करो, दाल की कीमत कम करो, नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विजन की बात करो, हमें आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अब ये सब बातें, लेकिन अब जो बातें कल की बात हो गई, अब तो रिजल्ट आ चुका है, राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल सामने था और इतनी बुरी तरह पराजय होगी ये तो शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा था, लेकिन हमें दूर रखा गया। हमारी तमाम अच्छी कोशिश और नीयत के बावजूद हमारी उपयोगिता बिहार में, और इनको समझना चाहिए था कि मैं मासेस से आया हूँ, रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हुआ हूँ, और मैं निस्वार्थ भाव से कमिटमेंट और पैशन के साथ मैं पार्टी की सेवा करना चाहता था और पार्टी के साथ लगा रहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, अब ठीक है, लेकिन आज इस दुख की घड़ी में मैं उनका मजाक उड़ाऊं अपनी पार्टी का, ये तो सही नहीं होगा। ये हमारी पार्टी है, मेरे सुख दुख की पार्टी है और शायद मेरी पहली और आखिरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। पुष्पेन जी, ये जो चल रहा है घमासान, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी वाकई में सबक सीख रही है या फिर जैसे कांग्रेस ने जो गलती की जब वो केंद्र में आई और लगातार जीत रही थी तो उसने बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर दिया, बहुत सारी गलतियां हुई जिसका खामियाजा उसे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। अगर बिहार को चुनाव को छोड़ दें तो लगातार सिलसिलेवार तरीके से उसे हार मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई 60 साल के बाद एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि हर चुनाव हारने के बाद उनके यहाँ एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मंथन होता है, चिंतन होता है, ये बताया ज़रूर जाता है मीडिया को, लेकिन जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जिन्होंने सारी रणनीति बनाई होती है, जिन्होंने सारी कैंपेन की होती है, जिनकी मर्जी के बगैर कोई दूसरा एक्शन नहीं होता है, वही लोग जो हैं उस मीटिंग के हिस्सा होते हैं और फिर उस पर पार्टी की हार सबकी हार है और किसी पे कार्रवाई नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होता, कोई नई बात नहीं आती, किसी कोई रणनीति का आगे भी कोई चेंज हो ऐसा दिखता नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने दो बार सत्ता में आए हैं, पहली बार भी बहुत से कारण थे, सब जानते हैं कि अगर ये बात होती तो इंडिया शाइनिंग के दौर में भारतीय जनता पार्टी कौन सी शाइनिंग में फंसी, उस पर कोई चिंतन होता, उसके बाद पार्टी कुछ रहती। और ज़्यादातर पार्टियां जब विरोध में चली जाती हैं या विपक्ष में आती हैं तो उनमें काफ़ी सारी सुधार की गुंजाइश होती है। भारतीय जनता पार्टी मई 2014 में सत्ता में आई है और उसके आने से 17 महीने बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हार नहीं होती, आपकी हार भी होती है, लेकिन हार में जो कमी है, जो बीमारी है, उसको दूर करने की जगह आप बीमारी को दूर न करके अपने निजी स्कोर पूरा करना शुरू करें। दिल्ली के चुनाव के बावजूद भी सब जानते थे क्या हुआ, किस तरीके से रातों रात एक इंपोर्ट करके नेता लाया गया, किस तरीके से दिल्ली का एक सबसे ईमानदार, जिसकी हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी थी, उसको हिल्ले लगाने के लिए उसको आपने वहां से हटा दिया, और जिस इंपोर्टेड नेता को लाया आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको खड़ा किया, उसको भी हार गए और दिल्ली में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निबट गई। फिर एक तर्क यह आया कि देखिए साहब, हम सीटें हार गए लेकिन हमारा वोट जो है वो उतना ही का उतना है। बिहार के चुनाव में आप देखें कि जो जमीनी नेता थे वो कहीं नजर नहीं आए, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, पार्टी से उनके इंटरनल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी एक आदमी की नाराजगी, किसी एक आदमी से खुन्नस, किसी एक आदमी के साथ उसके डिफरेंसेस आप पूरी पार्टी को तबाह कर दें। मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, दिलीप ने भी कहा कि बहुत सारे नेता 18 एरोप्लेन दिल्ली से चलते थे और शाम को वहां
अलग अलग जगह उतरते थे, नेता स्पीच देते थे और वापस आते थे। लेकिन आप देखें, जो मैं फिर अपनी बात को फिर वहीं कायम कर रहा हूं, अरुण जेटली, उनका बिहार से कोई कनेक्ट नहीं है, न वो बिहार की जनता में जेल करते हैं, न भाषा में करते, न कपड़ों में करते, न देखने में करते, न सुनने में करते। लेकिन पूरी कहानी उनकी ये थी कि वो यहां से वहां तक गए, विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करने गए। क्यों उनकी जगह सुषमा स्वराज को नहीं ले जाया गया? क्या सुषमा स्वराज जिस लैंग्वेज में कनेक्ट करती हैं, जिस भाषा को वो समझती हैं, क्या बिहार के लोग नहीं समझते? अरुण जेटली जिस अंदाज की अंग्रेजी बोलते हैं, वो दिल्ली के लटियन जोन में तो लोग समझ सकते होंगे, बात भी जानते होंगे, लेकिन आप कैसे कनेक्ट डिसकनेक्ट कर रहे थे? आप देखें, भूपेंद्र यादव रहने वाले राजस्थान के हैं, उनके नाम के आगे यादव लगाए तो आपने उनको प्रोजेक्ट किया। आप देखें अनंत कुमार जो बंगलोर से चल के आए, उनको हिंदी नहीं आती प्रॉपर, वो वहां लोगों से बात कर रहे हैं। आप रविशंकर प्रसाद जो राज्यसभा से पिछली बार भी थे, इस बार भी थे, आपने शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले रविशंकर प्रसाद को तरजीह दी। रविशंकर प्रसाद दिल्ली से लेके बाहर तक सबको मालूम है, निहायत एरोगेंट किस्म के मंत्री हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, राज्यसभा से आपने लाके उन्हें जिता दिया, जो बोल ही नहीं पाते, आप उनको 5 मिनट हिंदी में बोलने दो तो 5 बार वो लड़खड़ाते हैं। उसके बाद सुशील मोदी नीचे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन नेताओं को आपने आगे किया, और जो आपके मासेस के लीडर थे, 5 बार शत्रुघ्न सिन्हा जीत के आए हैं बिहार के अंदर, उनका कहीं पता नहीं। हो सकता है उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक बड़े चुनाव में जा रहे हैं, आपको इंटरनल अगर कोई डिफरेंसेस भी है, और ये भी नहीं है कि चुनाव की पूर्व संध्या पे हुआ हो, वो लगातार कुछ कह रहे थे, उसके साथ एक बैठक की मीटिंग हो सकती थी। आप देखें आर के सिंह ने भरी महफिल में, सब जानते हैं कि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, बिहार के 10 जिलों में कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा होगा, होम सेक्रेटरी वो आदमी था, अगर उसने ये बात बीच चुनाव में की तो उसको बाध होना पड़ा कि टेलीविजन पे आके उन्होंने बोला कि गलत लोगों को टिकट बांटे गए हैं। इसका क्या बिहार की जनता नहीं मानेगी इस बात को? आप देखें कीर्ति आजाद जब नरेंद्र मोदी मरकज के या बीच में नहीं थे, तब भी चुनाव जीतते रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बड़ा उनकी बैकिंग हुई, वो भी कहीं नजर नहीं आए। आप देखें सीपी ठाकुर, आपने सिर्फ उनके बेटे को टिकट देने के बाद सीपी ठाकुर का कहीं जिक्र नहीं आया, वो चेहरा नजर नहीं आता था। अब अगर ये आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी बहसियत प्रधानमंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के साथ साथ जितने बैनर पोस्टर मैंने बिहार में देखे उसमें अमित शाह पार्टी का, लेकिन बिहार के जो लोकल लेग थे, हुकुमदेव नारायण जो इतनी बेहतरीन स्पीच पार्लियामेंट में कर सकते हैं, और तमाम बीजेपी के नेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री वाह-वाह कर रहे थे, तो उसी डायलेक्ट में लालू का जवाब देने के लिए हमें हुकुमदेव नारायण को क्यों नहीं उतारा? तो अब जो लोग समीक्षा कर रहे हैं, मेरा दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कांग्रेस के पैटर्न पर चल रही है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना है, जिन लोगों के ऊपर सवाल उठना चाहिए, वो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, और अब यह कोशिश की जा रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल करके किसी तरीके से हाथ जोड़ लिया जाए, आर के सिंह को कुछ फटकार लगा दी जाए। मैं ये कहता हूं कि अगर जिन नेताओं शत्रुघ्न सिन्हा, आर के सिंह, कीर्ति आजाद, सीपी ठाकुर और हुकुमदेव नारायण पे अगर कोई कार्रवाई होती है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आजाद है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल दिवालियापन होगा कि वो लोग जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, वो लोग जो आप में कमी बता रहे हैं, उनको आप निकाल रहे हैं, और जो लोग मास्टरमाइंड हैं इस हार के, वो दिल्ली में भी थे, वो बिहार में भी थे, वो लोग कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि देखिए साहब सब ठीक है, हार तो सबकी होती है, सबको ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी एक बयान से नहीं हो कहा जा सकता कि भगवत के बयान से ही हार गए, लेकिन सारी चीजें भाई जी जी मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, हार के बाद जो घमासान मचा हुआ है, जो विश्लेषण हो रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, यहाँ से कैसे आगे, क्या राजनीति किस तरीके से जाएगी, क्या कुछ होगा। दिलीप जी, अभी ब्रेक से पहले जो हमने तमाम चर्चाएं की, ये जो विश्लेषण अभी आपने अरुण जेटली का हमने सुनाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है, संतुष्ट हैं आप? यही सब कारण हैं और यही सब वजह हैं, या आपको लगता है कि कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी भी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही है? कॉर्पोरेट स्टाइल में नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह तो काम नहीं कर सकती है कभी भी, कम से कम अभी नहीं काम कर सकती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो वहाँ पे
एक परिवार का कोई असर नहीं है और ना ही परिवार के समर्पित लोग हैं, लेकिन हाँ लोग ऐसे हैं वहाँ पे ज़्यादातर अब जो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। और देश की सियासत हो और ख़ास करके जब बिहार की सियासत हो और जब चुनाव हो और जब आपके विरोधी की रणनीति आपको साफ दिखाई दे तो आप उसका जवाब किस तरह से देते हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव साफ साफ कह रहे थे कि ये आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थकों की लड़ाई है, ये अगड़े की लड़ाई है, पिछड़े की लड़ाई है, ये कह रहे थे लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार पिछले 10 साल में लोगों ने देखा, 8 साल में जमीन पे कौन कौन से काम हुए, लोगों को सड़कें दिखाई दी। अब वो नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे या नहीं थे, जब आपने उनको डिसोन किया कि अब 15 साल बड़े भाई और 10 साल छोटे भाई, तो छोटे भाई ने जो काम किया उसका क्रेडिट तो वो लेंगे, ठीक है। और उसके साथ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इसका जवाब कौन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सिर्फ एक आदमी। उन्होंने 30 रैलियां की, 38 जिले हैं बिहार में, 243 सीटें हैं। लालू जी डेली 8 से 10 सभाएं करते थे, 8 मिनट से ज्यादा का उनका भाषण नहीं होता था, 10 मिनट बहुत ज्यादा होता था। और वो मैंने कहा कि जबकि उनकी पहली चुनावी रैली हुई थी तेरसिया में, राघोपुर में, मैं वहां मौजूद था, उन्होंने कहा काला धन आया? नहीं आया। महंगाई बढ़ी? हाँ बढ़ गई। आरक्षण खत्म करना चाहता है और ये लड़ाई अगड़े पिछड़े की है, 4 बातों पे। बाकी वो जो बात कहते थे वो समझाने का उनका तरीका होता था, बट 4 मूल बातों पे उन्होंने बीजेपी पे, एनडीए पे, प्रधानमंत्री पे हमला बोला। जो 2 बातें उन्होंने कही, आरक्षण समर्थक, आरक्षण विरोधी और जो अगड़े पिछड़ो, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने 2 चरण के मतदान के बाद देना शुरू किया। उससे पहले सफाई दी गई, जब तक सफाई दी गई थी तब तक वहां पे काफी कुछ पानी बह चुका था। नंबर 1। नंबर 2, जब वो बाकी विकास की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो लालू जी के जो सवाल थे कि क्या महंगाई बढ़ी, दाल का दाम बढ़े, पेट्रोल नहीं पियोगे ना, तो ये जो बातें थी जो गवई अंदाज में वो कहते थे, लोगों को समझ में आया कि हाँ दाल तो बहुत दाम बढ़ गए। दूसरी बात वो कहते थे काला धन तो वापस नहीं आया, 15 लाख रुपए तुम्हें मिले भी नहीं, उनको लगा कि परफॉर्मेंस भी नहीं है गवर्नमेंट का, केंद्र मोदी जी का। उसके विपरीत नीतीश कुमार जब कह रहे थे कि देखिए हमने सड़कें बनाई हैं, हमने ये काम किए हैं, हमने बिजली, हो सकता है 24 घंटे नहीं दिए हो, ये सच्चाई है, लेकिन 10 घंटा दिया, 12 घंटा दिया, 14 घंटा दिया, 16 घंटा दिया, कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची हो, लेकिन अगर 8 साल में, अगर आप देखें कि 8 साल में 10 साल में एक सरकार आपको बिजली मैक्सिमम जगह पे पहुंचा देती है कम घंटे के लिए सही, तो लोग उसको देखेंगे। लोग जो पोशाक जिस लड़कियों को मिला स्कूल में जाने उसको देखेंगे, जो साइकिल मिला उसको देखेंगे, जो महिलाओं का आरक्षण दिया उसको देखेंगे। तो एक तरफ डिलीवरी प्लस जो लालू जी की अपनी शैली में जो पोलराइज उन्होंने किया, गोलबंद जो उन्होंने किया, वो दोनों चीज का जवाब आप देखें तो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लड़ाई लालू जी ने उसी को खड़ा कहा, ये उन्होंने कहा ये लड़ाई नहीं है यादव और कुर्मी की, ये तो लड़ाई ही है अगड़े पिछड़े की। तो जब अगड़े और पिछड़े की लड़ाई बनी तो ना सिर्फ उन्होंने गोलबंद किया बल्कि जो बाकी लोग उनसे अलग हो गए थे उनको भी वो साथ लाने में कामयाब हुए, परिणाम यही दिखाता है। आप ये देखें, और इसका जवाबी कार्रवाई जब आप चुनाव लड़ रहे हो, जंग मैदाने जंग में है, तो आप जवाबी आपने कार्रवाई किस तरह से की? जवाबी कार्रवाई के जो कर रहे थे वो 2 लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो लगातार वहां पे बने हुए थे, और मूल रूप से प्रधानमंत्री कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री की रैली में जो लोग आते थे वो भीड़ काफी होती थी, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी बिहार में जो, चूंकि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से विपुल लोग वहां पे विरोधियों की रैली को भी सुनने जाते हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री थे तो रैली सुनने के लिए जरूर आते थे, लेकिन उसमें भी ज्यादातर वोटर थे, और जो वोट जो कुछ मिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही मिला है। और बाकी आप देखिए, चाहे मंगल पांडे हो, अरुण जेटली हो, राजनाथ सिंह हो, मनोज तिवारी हो, यादव में नंदकिशोर यादव को लोग क्यों नहीं देखेंगे, लालू यादव को देखेंगे लोग,
आप राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो, अनंत कुमार हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, ये इन लोगों ने, इनके पास जो अति पिछड़े पिछड़े जो नेता थे स्थापित, उनको बाद में ये लेके आए। एक मुकेश सहनी इनको ज्वाइन करता है, उनको हेलीकॉप्टर से लेकर घुमाते हैं। इनके पास जो अपने प्रेम कुमार से लेके जनक चमार थे, उनको बाद में उन्होंने उतारा है। जब देख लिया कि लड़ाई पूरी तरह से हाथ से निकल रही, तब इन्होंने उनका इस्तेमाल किया, कितना कम इस्तेमाल किया ये भी आप देखें। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो लोग बीच में, चाहे भीम सिंह आए चाहे रंजन यादव ज्वाइन किए, इनका इस्तेमाल क्या हुआ, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, इन्होंने खास करके रामविलास पासवान ने जिस तरह से टिकट बंटवारा किया उसके बारे में जो चर्चाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बंटवारे को लेके जो आर के सिंह ने सवाल उठाए थे चुनाव के बीच में ही, टिकट बंटवारे के समय ही, और ये जो जीतन राम मांझी दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, उनके सारे उनके जो नेता थे वो खुद भी लड़ रहे थे और अपने बेटे को भी लड़ा रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये एक पारिवारिक कुनबा को बीजेपी ने इस्तेमाल करने के लिए काम किया है। आप देखिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान भी पूरे तरह से प्रभावी नहीं हो पाए इस पूरे चीजों में, 4-5 सीटें, मैं वही कह रहा हूं। तो आप ये देखिए कुल मिलाकर के जो हमला नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने किया, उसका कोई जवाब इनके पास था ही नहीं, एक बात जो है। दूसरी बात आप अगर देखेंगे तो पूरे तरह से जिस जातीय गोलबंद के कारण आप, या जो पहले उनका जो मत विभाजन था जिसके कारण कुछ फायदा हुआ, वो भी लोग इकट्ठा थे, वो इकट्ठा चुनाव लड़ रहे थे। और आप कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखें तो 27 सीटें, ये सिर्फ और सिर्फ लालू जी के गोलबंद सामाजिक जो उन्होंने समीकरण बनाए, जो जातीय समीकरण उन्होंने इकट्ठा किया, ये उसी का परिणाम है कि 178 सीटें उनको मिली है और 44% से ज्यादा वोट उनको मिला है। तो ये कुल मिलाकर के आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से जो कुछ किया जाना चाहिए था, मुझे लगता है वो देर से की गई। शुरुआती जो इन्हें इनके पक्ष में माहौल था, विपुल जब हम गए थे 4 महीना पहले, तो वहां पे किसी से बात करते थे तो बोलते थे अब की बार यहाँ पे भाजपा सरकार, और आते आते अब की बार फिर नीतीश कुमार। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन में जो पूरी लड़ाई थी, वो लड़ाई में लालू यादव की जो सियासी सोच समझ, उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे कोई सक्षम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रबंधन नहीं था, और वही कारण है। इसमें बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, आप देखें संसाधन का जितना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि किसी राज्य में भी अब तक के चुनाव में इतने पैसे खर्च किए गए होंगे एक पार्टी के द्वारा। क्या यही जितने तरह के जितने हेलीकॉप्टर थे, गरीब का बेटा हूं तो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री से कनेक्ट किया वो वोट मिले ही। अब अकेले प्रधानमंत्री 30 रैली करके कितना वोट आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टी संगठन जो सबसे मजबूत होता था, आप RSS, बीजेपी, उनके कई और संगठन, ये तमाम लोग देखते थे यहाँ जो ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से आने वाले हवाई सर्वेक्षण करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कथित बड़े नेता जो जा रहे थे, उनका कनेक्ट नहीं था। आप जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे लोगों के साथ, और उसके ठीक विपरीत लालू प्रसाद यादव कनेक्ट कर रहे थे, आप लाइक करें ना करें, डे वन में हमने कहा कि लालू जी ने जो रणनीति अपनाई है तेरसिया में और गमरिया मधेपुरा में लास्ट सभा, उसमें कोई फर्क नहीं था विपुल, शब्दों के थोड़े बहुत हेर फेर थे, लालू यादव की रणनीति बहुत साफ थी, वो अपने अंदाज से अपने शैली में उन्होंने लोगों को समझाया, और नीतीश कुमार की जो डिलीवरी रही थी उसको भी उन्होंने इंश्योर किया कि वो चीज़ लोगों के बीच में जाए, और वो चीज़ इंश्योर हुआ। नीतीश कुमार का जो पूरा कैंपेन था जिसे प्रशांत किशोर ने देखा, वो कैंपेन में वो जो डिलीवरी उन्होंने किया, उस डिलीवरी को हर घर तक पहुंचाया कि देखिए ये काम हुए हैं, ये काम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप फेयर तरीके से किसी बात का समीक्षा करें, आज जो अरुण जेटली कह रहे थे वो फेयर तरीके से नहीं, वो एक कवर अप कर रहे थे, वो देख रहे थे कि नहीं नहीं एक बयान से चुनाव नहीं हारता, बात सही है, एक बयान से चुनाव नहीं हारता है, एक प्याज से चुनाव हार सकता है, प्याज के दाम से चुनाव हार सकते हैं, दाल के दाम से चुनाव हार सकते हैं, ये भारत के चुनाव में पहली बार नहीं हुआ है, एक छोटा सा मुद्दा बड़ा बन जाता है, तो ये तमाम चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे, जो चाणक्य थे, जिनको लगता था
कि बिहार में वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको बिहार की समझ नहीं थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भी उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी जो उनके पास जो स्ट्रेंथ था, उसका व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री ने जितना इस्तेमाल किया वो शायद करके भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का वोट है। बाकी जो तमाम लोग रहे उन्होंने उस छवि को भी नुकसान पहुंचा, उनके छवि को नुकसान पहुंचा, नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के वो काम नहीं कर पाए जिसके लिए वो वहां गए थे। साहू साहब क्या बोलेंगे आप, तमाम लोग तमाम समीक्षा कर रहे हैं, अभी आपने आपको एक एक करके दिलीप जी ने तमाम चीजें गिनाई, क्या ये अब जो लोग ग्राउंड पे थे वो यहाँ दिल्ली में बैठ के लोगों को समझ में आ रही थी चीजें, आप लोगों को वहाँ पे क्यों नहीं समझ में आई ये तमाम चीजें? अच्छे दिन होते हैं उस समय सब साथ हो जाते हैं, और बुरे दिन होते हैं तो सब साथ छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है जब आपके अच्छे दिन आए हैं तो आज अहंकार में डूब गए, आपको लगा ही नहीं कि जमीन पे जाना चाहिए। आज जो बात है वो हुकुमदेव नारायण यादव जी जो बोले, मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। आज पूरा देश में जिस प्रकार से आप गलत, अभी भी आपको सोचने का तरीका है, आप समझ नहीं रहे। सवाल मैं कह रहा हूं कि जो हुकुमदेव नारायण यादव एक बेहतरीन वक्ता लोकसभा के अंदर जब बोलता है तो पूरा लोकसभा विपक्ष के लोगों को भी लगता है कि क्या तर्क के साथ बोला हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, नारायण यादव की चेहरे से, कपड़ों से, खड़े होने से, बोलने से वो लालू की काट कर सकते थे, लालू के सामने उतारना चाहिए था। मैं वही कह रहा था, अब आप कह रहे हैं कि हुकुमदेव नारायण ने बयान दे दिया अच्छे दिन में चले, ये तो अभी भी आप ऐसा लग रहा है कि जो अरुण जेटली कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरा कुछ कहने वाला था, आप बीच में टोक दिए। मैं ये कह रहा था कि आज जो हुकुमदेव नारायण जी कह रहे थे वो बात लालू जी जो है कन्विंस कर गए। जो आरक्षण की बात माननीय सर संचालक जी ने कहा वो कुछ और बोले, लेकिन लालू जी ने उसको किसी और तरीके से जनता को कन्विंस कर दिया। और जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी रिपेयर करते वहां की जनता ने अपना मूड बना लिया था। ये सच्चाई है। देखिये एक मिनट विपुल जी, बिहार सुन लीजिए, बिहार सुनिए 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 सुनिए, आप यही दिक्कत है, आप लोग इतना ज्ञानी है फिर हम लोग को क्यों बुलाते हैं? आप सब इतना पंडित हैं फिर हम लोग तो बेकार हैं, मजदूरों के राजनीति करते करते हम यहाँ तक सब छोड़ छाड़ के आए हैं। अब टाइम वेस्ट क्या करें, बोलने के तक बीच में टोक देते, बोलने का कनेक्ट खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लालू ने एक षड्यंत्र जो है उसको तार निकाला खींचा, जबकि सरसंचालक जी ने कहीं विरोध नहीं किया आरक्षण का, उन्होंने दो तीन बार बाद में अपने बयान में भी कहा कि हमारा कोई विरोधाभास नहीं है और कोई हम ये नहीं करें किसी का आरक्षण हट जाए, हम लोग उसका और सामाजिक स्तर पर उसको और मजबूत करें, उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, ये उनका ये था। लेकिन उन्होंने अच्छे से ऐसा कन्विंस कर दिया लालू जी ने और नीतीश जी ने, बाद में नीतीश जी का बयान जब निकला प्रधानमंत्री जी ने दिखाया उसको, प्रधानमंत्री जी ने एक एक उनके ही लाइन में एक जवाब एक सिलसिलेवार तरीके से जो दिया, शायद उसका ये नतीजा है कि आज जो वोट परसेंटेज जो बचा हुआ है वो है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से बहुत सारे गलतियां एक एक करके हो सकता है हो गया होगा, पार्टी इतनी बड़ी है कहीं गलती हो जाती है कहीं सही हो जाता है। हमें लगता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनना चाहिए। अगर कार्यकर्ता की आवाज को सुनते सही में तो मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा अन्य पार्टी में कांग्रेस और आरजेडी इनकी जेल और फेल पार्टी के औकात है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। ये आप, लेकिन ये जो आपके शब्द हैं जेल और फेल और औकात, जरा शब्दों के चयन पे देखिए दिलीप जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कांग्रेस क्या हमको देगी, है नहीं आपके मुकाबले में ना आरजेडी, आरजेडी का क्या विजन है? लेकिन हमारे वहाँ जो सीधे भले लोग हैं कर रहे हैं, उनको उनकी क्या उनको उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया उनके भाषा में, हम लोग कहीं फेल हो गए उसमें कम्युनिकेट करने में, निश्चित रूप से इसका फायदा उन पार्टियों को मिला है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, उसका जवाब समय से मिलेगा। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये, बहुत लोग कुछ तमाम पत्रकार हैं, तमाम लोग हैं अपना विश्लेषण दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो लोकसभा चुनाव था उस समय एक अग्रेशन, एक गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ, अब आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कहा जा रहा है कि जो हिंदी बेल्ट है उसको
ठीक से समझ नहीं पा रहे, वहां पर राजनीति अलग तरीके से होती है। जहां पर इनके पास लीडर थे, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान पहले से स्थापित लीडर थे, वहां जीत मिली। अब ये बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहां की राजनीति अलग होती है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी अगर ये इसी तरह की गलती करेंगे तो नुकसान होगा, दिल्ली से मैनेज नहीं हो पाएंगी, अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए? पुष्पेंद्र जी, देखिए अगर ये इस तरीके की गलती करेंगे तो उसके लिए उत्तर प्रदेश होने की जरूरत नहीं है, वो गोवा में भी हो सकता है और वो लेह में भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है, ये बात मेरा पुराना आर्गुमेंट है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी का जादू था, ये एक अपनी जगह सच्चाई है, लेकिन सिर्फ नहीं था, एक था ऐसा नहीं है, एक 100 में से एक कारण था, और लोगों का पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक जबरदस्त गुस्सा था, उसका इनको वोट मिला। अब मेरा कहना यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ा जो मामला है, आप 5 चुनाव देखिए जो लोकसभा के बाद हुए हैं, और 5 चुनाव में देखें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने एक्सक्लूसिव कांग्रेस पार्टी विरोध में थी, वहां सफाया हो गया। उस हरियाणा में जहां कांग्रेस बीजेपी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां सफाया कर दिया कांग्रेस का, आज इनकी पूरी मेजोरिटी से सरकार बनी है। और जिस राज्य में कांग्रेस सीधे निशाने पर नहीं थी, गठबंधन में थी, वहां ये भी गठबंधन में मजबूर हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार में कांग्रेस निशाने पर नहीं थी, कांग्रेस के बारे में लोगों का गुस्सा था, कांग्रेस को हरा दिया, और यही वजह है कि आज कांग्रेस का गुस्सा निकल गया 2014 में। अब बार बार आप कांग्रेस का रिकॉर्ड बजाएंगे तो जो 4 सीटें थी विधानसभा में कांग्रेस की, वो 27 पे पहुंच गई। लोगों ने आपको जिताया है, मौका दिया है, आपको वाड्रा को पकड़ना है पकड़िए, आपको नेशनल हेराल्ड केस में पकड़ना है पकड़िए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जब चुनाव में लड़ने जाते हैं हरियाणा में तो कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा का मामला है, फिर आप खामोश हो जाते हैं, फिर एक कमीशन बना देते हैं, तो उससे लोगों को लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे, आप कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार आप एक ही बात को कह चले जाएंगे कि आप हरियाणा, वहां बिहार के अंदर आपकी रणनीति फेल हुई। आपकी रणनीति अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं फिर यह बात कहूंगा कि भाई हुकुम देव नारायण जो जवाब आरक्षण में दे सकते थे, उनको आपका चेहरा क्यों नहीं बनाया आपने? शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने? आप ये कहेंगे कि नहीं साहब वो पार्टी से बड़े हैं, पार्टी से छोटे, तो अब तो पूरी पार्टी बौनी हो गई, अब तो पूरी पार्टी छोटी हो गई। और दूसरी बात जो दिलीप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में लोग आते थे, एक देखें कि 5,000-10,000 की जो भीड़ लालू की रैली में होती थी या कुन्नड़ नुक्कड़ मीटिंग में होती थी, उसमें एक क्षेत्र, एक असेंबली का क्षेत्र में जाते थे वो, और एक असेंबली कई क्षेत्र में जाते थे। नहीं, मैं जो उनकी सभा होती थी वो नुक्कड़ में करूं, और प्रधानमंत्री 10 या 12 उसमें कैंडिडेट होते थे, उसकी सभा करते थे, हर एक की जिम्मेदारी भी होती थी। तो जो आज की डेट में एनडीए को 1,27,00,000 वोट मिला है और जो इनको मिला है 1,57,00,000, उसमें गैप कम हो सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि साहब हमें वोट ज्यादा मिला है लेकिन हम जीत नहीं रहे, तो वोट ज्यादा लेकर के राजनीति में कोई मतलब नहीं होता उसका कि वोट ज्यादा मिले लेकिन हम सत्ता से बाहर हो गए। अब बहुत छोटी टिप्पणी, 10 सेकंड, 20 सेकंड। मैं एक 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 बहुत छोटी सी बात है, देखिए दो बातें थी मुद्दा। आप देखिए प्रधानमंत्री जब बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो बात की, उन्होंने विकास से शुरुआत की और फिर वो आरक्षण पे भी आए, लेकिन जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव महागठबंधन की तरफ से, उन्होंने कहा सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो सामाजिक न्याय जो है वो अपने आप में लोगों को जोड़ता है, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग वंचित हैं, नंबर एक। दूसरा, जो एनडीए की तरफ से लगातार मुझे लगता है कि एक जिस बात को फियर कहा, जंगल राज, ये जो जंगल राज है बहुत ज्यादा, जिसको लालू ने कहा ये मंडल राज पार्ट 2 है, मंडल राज और जंगल राज, इसने वही अगड़े पिछड़े को वजन दिया, को बिल्कुल साफ किया। एक ऐसा वर्ग था जिसको लगा ये जो जिसको जंगल राज कहते हैं वहां पे मेरा एम्पावरमेंट हुआ था, और जिसको लालू कह रहे हैं मंडल राज 2 होगा, ये फिर से मेरा एम्पावरमेंट होगा। तो ये एक बहुत, इस पे अगर हम चर्चा करेंगे, चलिए अब आगे हम चर्चा करते रहेंगे घटना चक्र में भी, तमाम मुद्दों को लेकर के, बिहार चुनाव से लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, दिलीप जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल घटनाचक्र में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।